वेज मंचूरियन बनाने के लिए हमने एक प्याज को पतला पतला उसकी परत निकाल करके लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है। दो गाजर को हमने घिस के रख लिया है। एक आलू को भी हमने घिस लिया है। एक शिमला मिर्च को हमने पीसेस में काट लिया है। एक टुकड़ा पत्ता गोभी को हमने घिस लिया है। एक टमाटर को भी हमने घिस के रख लिया है। अदरक, हरा लहसुन, हरी मिर्च का हमने पेस्ट बना लिया है और तलने के लिए हमने रिफाइंड ऑयल लिया है। हमने मसालों में काली मिर्च एक चम्मच ली है, एक छोटा चम्मच जीरा है, एक चम्मच गरम मसाला है, एक बड़ा चम्मच चिली सॉस है, एक चम्मच सोया सॉस है, एक चम्मच विनेगर है, तीन बड़े चम्मच हमारे टमाटो केचप है, नमक स्वाद के अनुसार है, दो बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर है और हमने चार चम्मच मैदा लिया है। अब हम सबसे पहले इसमें पत्ता गोभी, इसका देखिए थोड़ा जो भी पानी है उसको निचोड़ लेंगे अच्छे से हम, और तब इसको हम लोग इसमें डालेंगे। देखिए इसमें से पानी निकल रहा है, इसका सारा पानी हम लोग निचोड़ लेंगे, निचोड़ के निकाल देंगे सारी सब्जियों का। देखिए आलू में भी पानी है, आलू हमने ऐसे ही टेस्ट के लिए डाल दिया है, आप लोग चाहें तो नया भी डालें। खाली पत्ता गोभी भी डाल करके आप मंचूरियन बना सकती हैं, लेकिन वेज मंचूरियन है थोड़ा सब्जियों डालने से अच्छा रहता है। देखिए इसका भी हमने गाजर का भी सारा पानी निकाल लिया है, अब हम लोग इसको सबको अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसमें मैदा डाल देंगे कि बाइंडिंग के लिए। और अब हम इसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लोर भी डाल देंगे, और इतना कॉर्नफ्लोर हम बचा करके रख लेंगे, बाद में हम ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें डालेंगे। गरम मसाला, काली मिर्च, नमक, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा अदरक हरा लहसुन का पेस्ट, भुना और पिसा जीरा, थोड़ा सा हम इसमें सोया सॉस भी डाल देंगे और इसको हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हम लोग का सारा मसाला सब कुछ अच्छे से मिल गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे इस तरह से। देखिए हम लोग की मंचूरियन बॉल्स बन के तैयार हो गई है, तो चलिए हम लोग इसको फ्राई करते हैं। गैस को हमने ऑन कर लिया है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हम लोग का हीट हो जाए तो हम लोग बॉल्स को फ्राई करेंगे। ऑयल हम लोग का हीट हो गया है, अब हम इसमें मंचूरियन बॉल्स डालेंगे एक एक करके। गैस को हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। धीमे धीमे आंच में मीडियम फ्लेम पे हम लोग धीरे धीरे फ्राई करेंगे। देखिए हम लोग की मंचूरियन बॉल्स
ब्राउन हो गई है, अब हम लोग इसको निकाल लेंगे और उसके बाद दूसरी डालेंगे। देखिए हमारी सारी मंचूरियन बॉल्स फ्राई होके तैयार हो गई है। अब हम चलिए ग्रेवी बनाते हैं इसकी। गैस हम लोग की ऑन है, अब हम इसमें अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तेल हम लोग का हो गया है, अब थोड़ा लहसुन और अदरक हरी मिर्च का पेस्ट अच्छे से भून जाए तो हम इसमें प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर जो घिसा था हमने वो डालेंगे। देखिए हम लोग का लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भून गया, हम इसमें प्याज डाल देंगे। और शिमला मिर्च भी डाल देंगे। थोड़ा हम इसको भूनेंगे थोड़ी देर। पांच मिनट हम लोगों ने शिमला मिर्च और प्याज को थोड़ा भून लिया है, अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे। उसके बाद हम थोड़ा नमक डाल देंगे। और ये जीरा पाउडर है, और काली मिर्च पाउडर है। गैस हम लोग की मीडियम फ्लेम पर है। गरम मसाला पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें सोया सॉस और विनेगर डाल देंगे। इसको हम लोग अच्छे से मिलाएंगे। सारा काम हमारा मीडियम फ्लेम पर ही होगा। हमको मंचूरियन थोड़ा तरी वाला बनाना है, इसलिए हम थोड़ा इसमें पानी भी ऐड करेंगे। पहले हम इसमें देखिए हमने जो कॉर्न फ्लोर रखा था उसको हम लोग इसको अच्छे से मिला लेंगे चम्मच की सहायता से, थोड़ा पानी डाल करके ताकि अच्छे से मिल जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके संग देखिए हमने अब मिक्सी में थोड़ा जो पानी था वो धो करके मिक्सी ये पानी ले लिया है, और इसमें नाप करके थोड़ा पानी डालेंगे। ग्रेवी बनाएंगे, देखिए एक कटोरी, दो, और ये हमने तीन कटोरी पानी डाला है। थोड़ा सा पानी हमारा बच गया है और अब हम उसको अच्छे से मिलाएंगे। अब इसको हम लोग पांच मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे ताकि हम लोग की ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। मीडियम फ्लेम पे पकने के बाद देखिए हम लोग की ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। इसमें हम लोग थोड़ा टेस्ट के लिए एक चम्मच चीनी डालेंगे, इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। और अब हम इसमें मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे। मिनट तक हम लोग मीडियम फ्लेम पे मंचूरियन बॉल डाल के पकाएंगे ताकि अच्छे से पक जाए।
देखिए हम लोग की ग्रेवी वाली मंचूरियन की सब्जी तैयार है। अब हम लोग गैस को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इसमें सॉस मिलाएंगे। ये टमाटो केचप है, अगर बच्चे खाएंगे तो उनको ज़्यादा चिली सॉस डाल के मत दीजिए, ताकि बच्चों को पसंद नहीं आएगा। आप अपने हिसाब से चिली सॉस कम और ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए हम लोग का मंचूरियन तैयार है, चलिए हम लोग इसको सर्व करते हैं। देखिए हम लोग के गर्मा गर्म वेज मंचूरियन तैयार है, और इसको आप फ्राइड राइस या चाउमीन से खा सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाला वीडियो मिल सके। बाय बाय।